अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप जिस तरह से जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड और यकसा सिविल कोड, हुकूमत चाहती है कि इस कानून को पास कर दे, लेकिन हम इस बिल को पास होने नहीं देंगे क्योंकि एक देश में एक रूल और हुकूमत जो चाहेगी उसी के तहत हमें मानना भी होगा और हुकूमत जो चाहेगी जिस तरह से हमें बतलाएगी हम उस तरह से चलेंगे, क्योंकि हमारा शरीयत, हमारा कुरान, हमारा हदीस हमें जो बात का तरगीब देता है और हमें जिस चीज़ का हमें करने का हुक्म देता है हम उस चीज़ को करें और जिस चीज़ से मना करता है हम उस चीज़ से रुक जाएं। तो हुकूमत ये चाहती है जो है ये बिल पास कर दे, इससे हर एक मुसलमान, वो चाहे बच्चा हो, वो चाहे बूढ़ा हो, इससे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना उसको करना होगा। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद ने एक स्कैन जारी किया है जिससे आप स्कैन करके हुकूमत तक अपना राय ज़रूर पहुंचाएं कि भाई हमें ये कानून बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसीलिए एक ऐप है जिसके ज़रिए से आप अपना राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कसकोले उर्दू राही हिजरे, ऐसा कुछ एक ऐप है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। मैं आपको प्ले स्टोर में भी दिखा देता हूँ, मैंने डाउनलोड कर दिया है। इसीलिए आप पहले डाउनलोड करना है और उसको ओपन करना है। मैं जब ओपन करूँगा, क्योंकि मेरा डाउनलोड है इसीलिए कुछ देर लगता है और मैं इंतज़ार करता हूँ। और यहाँ पर लाल वाला यहाँ कैंसिल करना होगा आपको, और यहाँ पर लाल वाला जो भी लिखा हुआ है जिस पे भी आप टच करेंगे। और यहाँ ख़ास तौर पर आप देख भी सकते हैं ओपन जीमेल, यहाँ ओपन जीमेल में आप टच करना है। तो वो इस तरह से आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये चला आएगा और यहाँ लिखा हुआ है अस्सलामु अलैकुम, द लॉ कमीशन ऑफ हैज़ बीन इनवाइटेड व्यू, और पर आप लॉ कमीशन को आप जो है जीमेल कर सकते हैं और इसमें मेल करके आप बतला सकते हैं। और यहाँ आपको ब्लू वाला एक आइकन है और इस नकीर को आप देख सकते हैं, यहाँ आप ओपन जीमेल में टच करेंगे तो इस तरह से आपके पास आ गया। और यहाँ पर ओके भी करना है तो यहाँ मेरा जो है ईमेल आईडी आ गया है mohammadmudassir57@gmail.com, और इस तरह से लिखा हुआ है, हमारे बड़ों ने इस तरह से लिख दिया है। तो और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप जहाँ लास्ट लिखा है इंडियन सिटीजन लिखा हुआ है, लास्ट में आप देख सकते हैं इंडियन सिटीजन, तो यहाँ आप अपना नाम लिखकर यहाँ जो है एक सेंड का आइकन है, क्योंकि मैंने भेज दिया है इसीलिए मैं और नहीं भेजूँगा, तो यहाँ सेंड के आइकन में आप क्लिक करेंगे तो वो चला जाएगा। और आप जब चाहते हैं कि मेरा मेल गया है या न गया हो तो यहाँ पर आप जो है देख भी सकते हैं, यहाँ तीन लकीर है जो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें नंबर में सेंड वाला एक आइकन है, उसको आप क्लिक करना, और क्लिक कर आप उसे यहाँ दबाना। यहाँ देख लेंगे रिजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड दी, इस तरह से है यहाँ पर, उसके पास जो है कमीशन ऑफ इंडिया के पास मेल चला गया है। इस तरह से हमें और आपको इस तरह से अपना राय का इजहार ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि दूसरे लोग भी इसको समझ सकें और इसकी हकीकत जान सकें। और जितना ज़्यादा करेंगे इंशाअल्लाह ताला हुकूमत भी ये चाहेगी कि भाई हमें इस कानून बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुसलमानों को इस तरह की कानून पास नहीं होगी। इसी तरह की स्कैन करें और इसी तरह की दूसरों लोगों को इस वीडियो का लिंक ज़रूर पहुंचाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसको समझ सकें, दूसरे लोग अपना राय का इजहार ज़रूर करें और इस तरह की मेल कर हुकूमत को बतला दें कि हमें ये कानून बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और पसंद नहीं है। इसीलिए हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।